देखिए, मेरे व्यक्तिगत कुछ नहीं है। हम लोग जो हैं पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी को हम अपनी रिपोर्ट देंगे। और पार्टी का हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है, और ये वरिष्ठ ने पार्टी का एक मामला नहीं है। किसी जगह राष्ट्रपति शासन लगाना या न लगाना ये सरकार का काम है। ये सरकार इस पर विचार मंथन करेंगे, वो जो सही निर्णय होगा वो समुचित निर्णय लेंगे। थोड़े पिछले कुछ दिनों से मेरी तीसरी भेंट थी। अगर आप लोगों ने मेरा ट्वीट देखा हो तो उसके अंदर भी मैंने लिखा है, लोकतंत्र की हत्या को अगर किसी को देखना हो उसको पश्चिमी बंगाल में विजिट करना चाहिए। हालत वास्तव में बहुत ख़राब है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। पुलिस वाले जिस तरह से काम करते हैं, लगता नहीं कि यहाँ कोई पुलिस वाले हैं। आपको शायद जानकर के बड़ा कष्ट होगा कि 20 जून को जहाँ पर हम लोग भेंट देने गए थे, भाटपाड़ा जगह बदले हैं, वहाँ पर एक नया पुलिस स्टेशन थाने का उद्घाटन होने वाला था। उससे 3 दिन पहले वहाँ पर एक काली मंदिर के अंदर बम ब्लास्ट हुआ। वहाँ पर कुछ लोग, पुलिस ने जो 4-5 जो मुस्लिम लड़के थे उनको जो गिरफ्तार किया, लेकिन उस केस में नहीं किया। मैंने पहली बार सुना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ पहली बार एक पुलिस अधिकारी होने के नाते, कि कहीं बम ब्लास्ट हो रहा हो उसका कोई केस रजिस्टर न करते हुए पुराने केसेस में उन लोगों को अरेस्ट कर लिया। बाद में वहाँ पर कुछ लोग आए, अपने उस बिरादरी के लोग आए, उनको छुड़वा करके इनको छोड़िए। उसके बाद 2-3 दिन वहाँ पर जो है कई लोग मारे गए। 20 तारीख को नया थाने का उद्घाटन होने वाला था। उसी समय जब थाने का उद्घाटन हो रहा था, उससे थोड़े देर पहले एक बम ब्लास्ट हुआ और उद्घाटन करने वाले जो DG और वरिष्ठ अधिकारी थे वापस चले गए। उसके बाद शाम को मुझे मालूम चला कि भाई ममता बनर्जी ने कहा कि भाई ऐसे कैसे होता, तुम वापस जाओ। शाम को जाकर किया। लोगों में कल जिस प्रकार से महिला बच्चे जिस प्रकार से रो रहे थे, इतना भय इतना आतंक का माहौल है, किसी को भी इंसाफ की न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। और इसलिए एकदम मैं कह सकता हूँ कि गुंडागर्दी का राज्य है, अराजकता का शासन है, ये मुझे वहाँ देखने को मिला। और बंगाल में जब इस तरीके के हालात अराजक हालात हो गए तो केंद्र धारा 356 क्यों नहीं लागू करा? मेरा हम लोगों का जो काम था, हम 3 सदस्यीय जो प्रतिनिधि मंडल वहाँ पर गया था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने हम लोगों को भेजा था। वहाँ परिस्थिति का निरीक्षण करके हम लोगों को एक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। हम लोग अपनी रिपोर्ट जल्दी ही उनको सादर करेंगे। ये उन लोगों का, बड़े लोगों का काम है, उस पर वो क्या निर्णय लेंगे। आपकी रिपोर्ट में 356 तक के अभी हमारी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है, क्योंकि हम लोग कल रात को ही वापस आए हैं। हम लोग कैसे, हम लोगों ने कल पुलिस को भी बुलाने की कोशिश की, पुलिस वालों से बात हम लोग करना चाह रहे थे। हम जो लोग जहाँ जो परिवार, जिन लोगों के परिवार में लोग चले गए, एक 22 साल का लड़का बेचारा ब्रेड खरीदने जा रहा था, एक जो ये बेचते ना अपना क्या पानी पता क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इस तरह का पता, जो अपने वो चलाता था, अपनी गड्डी चलाता था बेचारा, वो उसमें मारा गया। एक तीसरा हम लोग गए थे और जाकर के बिना के कि उसका तो दूसरे दो का था मुझे नहीं मालूम है, एक तीसरा तो जो BJP का समर्थन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई BJP का समर्थन करने के लिए, उसको आकर के उसकी बहन के सामने उसको को मार दिया। तो इतने लोग रो रहे थे, और जो लोग जिनको 3 दिन से बाज़ार बंद है, बाज़ार जो है पिछले लगभग 20 दिन से लगातार कभी बंद होता है कभी खुलता है, इस तरह के माहौल है। ममता बनर्जी का शासन और जो लेफ्टिस्ट का शासन था उसमें लेफ्टिस्ट ज़्यादा बेहतर थे इससे? अभी मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ख़राब हालत मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं मालूम है। तब तो उस ज़माने में मैं पॉलिटिक्स राजनीति में नहीं था, तो मैं तो अभी देख रहा हूँ। लेकिन मैं तो जैसे कहा, लोकतंत्र की हत्या अगर किसी को देखनी हो, जहाँ किसी को न्याय मिलने की कोई उम्मीद न हो, जहाँ पार्टी के TMC के कार्यकर्ता गुंडों का काम करते हों, ये पहली बार किसी राज्य में मैं देख रहा हूँ। देखिए, जहाँ हम लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, किसी को जो है एक किसी बिरादरी का किसी धर्म के आधार पर हम लोग काम करते हैं, राजा कोई भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, कोई भी मंत्री हो, उसके लिए जाति बिरादरी मजहब के सब लोग उनके लिए समान होना चाहिए।
और पुलिस जो वर्दी पहनती है, जो ये शपथ लेती है हम सबको इंसाफ देने का काम करेंगे, उनका ये मुझे तो बुरा लगा, मैं पुलिस में रहा हूँ और पुलिस इस तरह से वहाँ पर जो है व्यवहार कर रही है, मुझको लगता है देखिए ऊपर के अगर पॉलिटिशियन भी अगर गड़बड़ हैं किसी कारण से, ऐसा हो सकता है, कई बार होता है, मैंने भी इस तरह की कई परिस्थितियाँ देखी हैं, लेकिन अगर पुलिस अधिकारी अच्छे हैं वो अच्छा काम कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि जो पश्चिम बंगाल के जो पुलिस अधिकारी हैं, कम से कम जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, उनको अपनी शपथ को याद करना चाहिए, जो उन्होंने संविधान की शपथ ली थी, लोगों को इंसाफ देने की शपथ ली थी और इस देश का संविधान को बचाने की शपथ ली थी, वो जागें और ईमानदारी के साथ काम करें।